एक लोटा जल वो भी तुम्हारे घर में जो है। हम ताजी मोटर चालू करें फिर पानी भरे गुरु जी, हम हापसी से ताजा पानी निकाल लें फिर चढ़ाएं गुरु जी, हम मटके का पानी नहीं लेकर जाएं, हम ताजे पानी का इंतजार करें गुरु जी। अग्नि, पानी, हवा, भूमि, ये कभी बासी नहीं होते, ये कभी बासी नहीं होते। तुमने कभी सुना कि हवा बासी है, हमने गुब्बारे में भर के रख दी तो दो दिन की बासी हो गई, इसके बाद हमने निकाल दी तो ताजी हो गई। सुना नहीं, हवा कभी बासी नहीं होती, अग्नि कभी बासी नहीं होती, पृथ्वी कभी बासी नहीं होती, जल कभी बासी नहीं होता। दिल से मन से आप ले जाकर जब चढ़ाएंगे तो वो जल बाबा उसको स्वीकार कर लेगा, वो जल मेरा ओग्र दानी स्वीकार कर लेगा, उसमें ताजे और बासे का कोई भाव नहीं होता। जो परिंडा होता है ना, हंडा, किस किस के घर में अंडा है, हंडा, हंडे का मतलब समझ लेना जरा अच्छे से। आज के जमाने में लोगों ने वो आरो लगा रखा है तो हंडा हटा दिया, कई लोगों ने उसकी जगह पे बाल्टी रख दी, टंकी रख दी, टंकी का ढक्कन लग जाएगा, या उसने कुछ और रख दिया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है हंडे का मतलब होता है जिसमें नीचे से फैलता हुआ ऊपर आकर मुंह हो, हंडा तांबे का, स्टील का, पीतल का, मट्टी का हंडा होता है। इसका महत्व क्या है? यदि हम देवी भागवत का स्मरण करें और देवी भागवत में लक्ष्मी जी की कथा का स्मरण करें, या विष्णु पुराण का स्मरण करें, या फिर गर्ग संहिता का स्मरण करें, और यदि अगर थोड़ा सा स्मरण करना हो तो पद्म पुराण का भी कर सकते हैं, जिसमें नारायण भगवान ने माता लक्ष्मी को वर प्रदान कर रखा, जिस समय पर भगवान विष्णु राजा बलि के दरवाजे के द्वारपाल बन गए थे। कथा सुनिए ना भागवत जी में, भगवान विष्णु राजा बलि ने मांग लिया था कि मेरे को वर दे दीजिए, तो भगवान विष्णु ने कहा क्या चाहिए, तो राजा बलि ने कहा मेरे दरवाजे के द्वारपाल बन जाइए। लक्ष्मी जी उनको राखी बांधने के लिए राजा बलि को गई और अपने पति को छोड़ा कर लेकर आई। जब पति को छोड़ा कर लेकर आई उस जगह पर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को वर प्रदान करा कि लक्ष्मी तूने मुझे राजा बलि के यहाँ से छुड़ा कर लेकर आई है, तेरी अगर विद्वत्ता नहीं होती, तेरा ज्ञान नहीं होता तो मुझे छुड़ाती नहीं, तो शायद मैं यहाँ नहीं पहुँचता, मैं बैकुंठ में नहीं पहुँचता, मैं इस स्वर्ग लोक में वापिस नहीं आता, पर दरवाजे का द्वारपाल में जिंदगी भर बना रहता, पर पति को तू काल में से खींच कर लेकर आ गई, तू मेरी धर्म पत्नी है, इसलिए आज मेरा मन है कि मैं तुझे कुछ वर दूं। लक्ष्मी ने कहा प्रभु आप मेरे पास में आ गए, मुझे वर की जरूरत नहीं है, मेरे पास सब कुछ तो है। ये एक धर्मपत्नी का
एक सटीक जवाब है कि पति जब बड़ा प्रसन्न हो जाए, पति बड़ा खुश हो जाए, पति बड़ा प्रसन्न रहे और आपसे कहे कि चल मैं तुझे सुनार की दुकान पर लेकर चलता हूँ, चल मैं तुझे कपड़े की दुकान पर लेकर चलता हूँ, तो पत्नी का पहला शब्द होना चाहिए, स्वामी मुझे नहीं चाहिए, अलमारी भरा रही है, खूब रकम रखी हुई है, खूब सामान रखा हुआ है, कोई चीज की जरूरत नहीं है, आप कमाओ, मना नहीं है, बस इतना जरूर करना कि आपकी कमाई में से एक रुपया अगर किसी की अच्छी विद्या में काम आ रहा हो, किसी कुंवारी कन्या की शादी में काम आ रहा हो, किसी के मेडिकल में काम आ रहा हो, तो वहां लगा देना, ये रखो आपके पास में, जो मुझे दिलाने वाले थे वो अपने पास रख लो, जितना मुझे दिलाना था भले उतना खर्च मत करना पर थोड़ा सा रख लेना, कोई गरीब बच्चा पढ़ना चाहता है, किसी का मेडिकल इलाज चल रहा हो, नहीं बन रहा उससे, तो आप उसमें थोड़ा सा खर्च कर देना, मेरी कपड़ों से अलमारी भरा रही है, मेरी जेवरों से अलमारी भरा रही है, मैं क्या करूंगी, लक्ष्मी जी ने जो संवाद कहा, स्वामी आप प्रसन्न हो, आप मुझे कुछ देना चाहते हो, मैं नहीं चाहती कि आप मुझे कुछ दें, परंतु भगवान विष्णु फिर भी अगर पति सोच कर बैठा है कि मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा मिला है या मेरी जमीन बिछी है या मेरा पैसा आया है, मुझे तो इसको कुछ दिला नहीं है, भले तुम नी भी लोगे ना तो भी तुम्हारा पति तुम्हारे लिए भले एफडी करा देगा पर देगा जरूर, अगर समझदार है भेरू तो